स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। हरजांश, तू नहीं जानता ये कौन है। हाँ, ये पिया है। हाँ, लेकिन ये वो पिया नहीं है जो तुम लोग इसे समझ रहे हो। ये दैविक नहीं है, ये एक सर्पिका है, जहरीली सर्पिका। हाँ, क्या बोल रही है? ये पिया है दैविक। दैविक नहीं, ये सर्पिका है। ये सर्पिका क्या है? तुझे नहीं पता तो छुटकी से पूछ। इसे अच्छी तरह पता है कि सर्पिका क्या होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। पिया की माँ अगर सर्पिका है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पिया भी सर्पिका है। पिया, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा होगा ये जानकर कि तुम्हारी माँ दिव्या एक सर्पिका है। मेरी माँ सर्पिका? यही सच है पिया। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें ये सच इस तरह पता चल रहा है। सुन लिया अंश, पिया एक सर्पिका की बेटी है। तो क्या हो गया? दिव्या क्या है और क्या नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें इस बात से पड़ता है कि पिया क्या है। और पिया एक दैविक है। तो खबरदार, जो इसके बाद पिया को सर्पिका कहा तो। अब समझ आया कि क्यों मोहना अंश और पिया की शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई थी। ये खिचड़ी पक रही थी वैद्यश्री इसके दिमाग में। शादी होते ही ये पिया को सर्पिका साबित करके अंश की जिंदगी से पिया को बाहर निकलवा देगी। क्यों, यही चल रहा था ना तुम्हारे दिमाग में? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सच बोल रही हूँ, पिया दैविक नहीं है, ये एक सर्पिका है जो अंश के लिए खतरा है। बस मां, पिया को देखा क्या? उसी को तो देख रहे हैं। ये भी एक रस्म होती है, जिस दिन नई दुल्हन अपने ससुराल आती है ना, उसी दिन रात को सारे घर में दिए जलाती है। हम तो ये रस्म भूल ही गए थे। पिया नहीं भूली। मोना क्या कर रही है?
डायनो में नई बहू का स्वागत इस तरह करते हैं क्या? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मां स्टॉप इट, हट जा अंश, तू नहीं जानता ये कौन है। हाँ ये पिया है। हाँ लेकिन ये वो पिया नहीं है जो तुम लोग इसे समझ रहे हो। ये दैविक नहीं है, ये एक सर्पिका है, जहरीली सर्पिका। हाँ क्या बोल रही है, ये पिया है दैविक। दैविक नहीं, ये सर्पिका है। ये सर्पिका क्या है? तुझे नहीं पता तो छुटकी से पूछ। इसे अच्छी तरह पता है कि सर्पिका क्या होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। पिया की माँ अगर सर्पिका है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पिया भी सर्पिका है। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा होगा ये जानकर कि तुम्हारी माँ दिव्या एक सर्पिका है। मेरी माँ सर्पिका? यही सच है पिया, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें ये सच इस तरह पता चल रहा है। सुन लिया अंश, पिया एक सर्पिका की बेटी है। तो क्या हो गया? दिव्या क्या है और क्या नहीं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें इस बात से पड़ता है कि पिया क्या है। और पिया एक दैविक है। तो खबरदार, जो इसके बाद पिया को सर्पिका कहा तो। कब समझ आया कि क्यों मोहना अंश और पिया की शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई थी। ये खिचड़ी पक रही थी वैद्यश्री इसके दिमाग में, शादी होते ही ये पिया को सर्पिका साबित करके अंश की जिंदगी से पिया को बाहर निकलवा देगी। क्यों, यही चल रहा था ना तुम्हारे दिमाग में? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सच बोल रही हूँ, पिया दैविक नहीं है, ये एक सर्पिका है जो अंश के लिए खतरा है। बस माँ प्लीज कुछ मत बोलिए। पिया को कोई पहचाने या ना पहचाने, मैं उसे पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकता। पिया एक दैविक है, इसे ना पहचान कर जो गलती हम पहले कर चुके हैं उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। पिया आपकी और इस घर की बहू है, और अब अगर आप पिया की इंसल्ट करेंगी तो मेरी और इस घर की इंसल्ट होगी। चलो पिया। अंश बेटा मेरी बात समझ। बस माँ अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, आपने पिया की जान बचाई थी इस वजह से मैं आपकी इज्जत करता हूँ। प्लीज वो इज्जत बनी रहने दीजिए। मुझे लगा था कि मैंने तुझे पहचानने में गलती कर दी, लेकिन नहीं, मेरी राय तेरे बारे में बिल्कुल सही थी। एक डायन कभी किसी और की खुशी के बारे में नहीं सोच सकती। चलो अंश। आती हूँ।
उधर खड़ा खड़ा मेरी पेटी की तरफ क्या देख रहे रे? सच्ची सच्ची बोला हूँ, सबको ऐसे ही लगता है कि तेरी पेटी में खजाना है, पर असली में तेरी पेटी खाली है ना। अरे खाली है तो अच्छा ही ना रे बाबा, ना तेरे माँ को मेरे 6 तोले का बोरमाल देना पड़ेगा और ना मेरे सोने की बकरिया है। क्या बाबा पता नहीं कहाँ रह गए। इन्हें अपने बाबा को फोन कर, बोल नाश्ता ठंडा हो रहा है। कह दूं तुम्हें कल से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। डैड, डैड कहां थे अब तक आप? जंगल गया हुआ था। फिर से? पर पिया दी ने तो बताया था ना कि माँ ठीक है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं दिव्या को भी अच्छी तरह जानता हूँ और वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। माँ का कुछ पता चला? नहीं बेटा, लेकिन जंगल में मुझे ये मिली। ये जंगल में क्या करी थी? मुझे नहीं पता, लेकिन इस तलवार को लेकर मेरे दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे। डैड कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि चुड़ैल ने माँ पर इस तलवार से हमला किया था? नहीं, क्योंकि चुड़ैल तलवार से कभी हमला नहीं करती। तुम्हारे लिए आइस पैक लेकर आता हूं। हंस, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। मैं अभी आता हूं। टू एंजॉय मोर सच अमेजिंग वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।